इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक निजी स्कूल के कक्षा 9 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल प्रश्न पत्र कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछा गया, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी रोष है। आज जमीयते उलेमा ए हिंद के बहराइच अध्यक्ष मौलाना कारी जुबेर के साथ स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने बहराइच जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बहराइच डीएम मोनिका रानी को ज्ञापन सौंपा। मौलाना कारी जुबेर ने बताया कि मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं देश के लिए, और मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें जब स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो क्या होगा। इस बात से सारे मुसलमानों में दुख है, तकलीफ है, और हमने ज्ञापन में मांग की है कि ऐसे स्कूल पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। मिलने आए, क्या मामला है? मामला यह है कि डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल ने जो पर्चा बनाया है एग्जाम का, उसके अंदर ज़बरदस्त मुसलमानों की इस्लाम की तौहीन किया है और दस्तूर के खिलाफ वर्जी किया है। 14-15 आर्टिकल की सरासर खिलाफ वर्जी किया है और उससे हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को और रहने और भी जो लोग हैं उनको सब बहुत सख्त तकलीफ हुई है। इसलिए हम ये मुतालबा करने के लिए आए हैं डीएम साहब से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल के खिलाफ जाँच बिठाई जाए और कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बहुत सख्त होनी चाहिए। क्या यही है मुतालबा हमारा और जो है यही मुतालबा करने के लिए आए हैं। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, कहा है कि हम जो है एसपी साहब के हवाले करते हैं और हम जो है इसकी देखभाल करेंगे, जाँच हम बिठाएंगे इसके लिए और जो है इसके लिए कार्रवाई करेंगे। आगे का कदम आप लोगों का क्या होगा? ये अगर आपकी समस्या यहाँ से हल नहीं होती तो आगे का क्या कदम होगा? फिर आगे के लिए जो मशवरा होगा फिर वो तय किया जाएगा, फिर आगे के लिए आगे बात की जाएगी। किस प्रकार के लेटर जारी किया गया था उनके द्वारा? उसमें लेटर के अंदर लेटर नहीं है, वो इम्तिहान का पर्चा है और वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें आतंकवाद से जोड़ा है मुसलमानों को, दहशतगर्दी से जोड़ा है मुसलमानों को, तालिबान से जोड़ा है मुसलमानों को और सरासर जिन मुसलमानों ने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए कुर्बान हो गए, सब के सब फांसी पर चढ़ गए और जो है तमाम जेल की मुसीबतें बर्दाश्त की। खुद हमारे वालिद ने और ये हाफिज़ सईद साहब खड़े हैं, इनके दादा ने और तमाम बड़े बड़े मुसलमानों ने देश के मुसीबतें बर्दाश्त की। आज उनको आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, आज उनको कहा जा रहा है कि तुम आतंकवाद हो, ये नहायत ही तकलीफ दे बात है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।